मोहम्मद अली जिन्ना की जिद पर 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो यह सिर्फ इलाकों का बंटवारा नहीं था, घरों, दिलों और परिवारों का भी बंटवारा हो गया। इसी क्रम में पंजाब के रहने वाले दो भाइयों मोहम्मद सिद्दीकी और मोहम्मद हबीब का भी बंटवारा हो गया। मोहम्मद हबीब उर्फ शेला अपने गांव, घर, परिवार और भाई को छोड़कर भारत आ गए और पाकिस्तान में रह गए उनके अपने भाई मोहम्मद सिद्दीकी। और 74 साल बाद जब दोनों बिछड़े हुए भाई करतारपुर साहब गुरुद्वारे में मिले तो उन्हें कैसा लगा होगा, इसे सिर्फ समझा जा सकता है, शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये देखिए, 80 साल से ज्यादा के हो चुके ये भाई मिले तो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। किन्ने साल लाते इना सफर जरा एक बार्डर ने दो भरावा इन्हों की मुलाकात तो बाद भी दो साल का टाइम लग गया इन्हों भरावा गल बखरी पहुंचे जबकि अज सामने वेखो जी पछाण लिया बाबे ने 74 साल बाद गल बखरी पैन लगी ऐसी गल रोटी फड़ा दे कोई नी हजे भी जमाना इकट्ठे हो गए पाकिस्तान के फैसलाबाद में रहने वाले सिद्दीकी को जब ये पता चला कि उनके भारतीय पंजाब में रहने वाले भाई मोहम्मद हबीब करतारपुर साहिब आने वाले हैं तो वे खुद को न रोक सके। दो भाइयों के भारत मिलाप का यह वीडियो वायरल हो चुका है जिसे हजारों लोगों ने देखा है। आप इसे एक बार फिर देखें और महसूस करें उस दर्द को जिसे लाखों लोगों ने झेला और भोगा। किन्ने साल लाते इना सफर जरा एक बार्डर ने दो भरावा इन्हों की मुलाकात तो बाद भी दो साल का टाइम लग गया इन्हों भरावा गल बखरी पहुंचे जबकि अज सामने वेखो जी पछाण लिया बाबे ने 74 साल बाद गल बखरी पैन लगी ऐसी गल रोटी फड़ा दे कोई नी हजे भी जमाना इकट्ठे हो गए Thank you.